हाय दोस्तों, आज के इस एपिसोड नंबर 4 में मैं आप सभी लोगों को चार सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आप सभी लोग करते हैं, चाहे मोटा होने के लिए या पतला होने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला गलती, आप लोग अपने दिल और दिमाग में एक टाइमिंग सेट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई लड़का अगर पतला है, वो मोटा होना चाहता है, चाहे मेरा वीडियो देखे या किसी का भी वीडियो देखे। अब जब वो उपाय करना शुरू करता है तो पहले से ही कल्पना कर लेता है, मैं एक या डेढ़ महीना में मेरा ऐसा बॉडी हो जाएगा। या बहुत सारी लड़कियां जो जिम जाना चाहती है या जो सुबह उठ के नींबू पानी पीती हैं, वो लोग पहले से ही सोच लेती है कि 3 महीना में मेरा पेट का चर्बी कम हो जाएगा। और ऐसा सोचने के बाद आप लोग उपाय करना शुरू करते हैं। 100 में से 99% लोगों का जो उम्मीद हो जाता है, उस हिसाब से तो उनको रिजल्ट मिलता है नहीं, फिर आप लोग बीच में गिव अप कर देते हैं, उपाय को करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, मोटापा या पतलापन, चाहे बढ़ा लेना या घटा लेना, इतना आसान है नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप जब भी मोटा होने के लिए या पतला होने के लिए कोई भी उपाय करते हैं, तो आप अपने दिल और दिमाग में टाइमिंग सेट ना करें। आप पूरा मेहनत से उपाय करते जाए, 1 महीना बाद, 6 महीना बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही। अब बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। मुझे पक्का यकीन है कि अभी इस वक्त जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने आज तक छोटा मोटा बहुत सारे उपाय अपनाया होगा, लेकिन कोई भी उपाय आप लोग ज़्यादा देर तक कर नहीं पाए होंगे। इसके पीछे का कारण क्या है कि आप लोग जोश में उपाय करना शुरू करते हैं। मतलब कि YouTube में देख लिया नींबू पानी पीने से फैट कम होता है, आप लोग नींबू पानी पीना शुरू कर देते हैं। कोई सहेली ने बोल दिया तुम जिम चली जाओ फैट कम हो जाएगा, आप लोग जिम जाना शुरू कर देते हैं। और पहला दिन जाते ही आप लोग इतना ज़्यादा पुशअप मारने लगते हैं, इतना ज़्यादा पेट का एक्सरसाइज करने लगते हैं कि 2 से 3 दिन में आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, आप लोग जिम जाना छोड़ देते हैं। कोई कोई लड़कियाँ 1 दिन में 4-5 बार नींबू पानी पीने लगती हैं, वो भी गर्म पानी के साथ। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से मेरा फैट बहुत जल्दी ही कम होगा। नतीजा ये होता है 4 से 5 दिन में उनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगता है, 14 से 15 दिन के बाद उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का यही मतलब है कि आप जब भी कोई उपाय स्टार्ट करते हैं, आपको जोश में नहीं करना चाहिए, आपको होश में करना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा गलती ये है कि आप लोग को अचानक एक दिन महसूस होता है, हाँ मुझे पतला होना है, हाँ मुझे मोटा होना है। चाहे आपकी गर्लफ्रेंड बोली हो, चाहे आप लोगों ने टीवी से देखा हो, या चाहे आपके मन में अचानक कहीं से भी आ गया हो, आप लोग क्या करते हैं उसी दिन के बाद से आप लोग 4 से 5 उपाय एक ही साथ करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि अगर पतला होना है तो सुबह नींबू पानी भी पियेंगे, वॉक पे भी जाएंगे, खाना पीना एकदम कम खाएंगे, गर्म पानी बार बार पियेंगे, और भी अलग अलग मेडिसिन खाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट खाएंगे, जबकि ये गलत बात है। और भी बहुत सारे उपाय आप लोग एक ही दिन में करना शुरू कर देते हैं। और जिन लोगों को मोटा होना है, ऐसे लोग प्रोटीन भी खाएंगे, सुबह 2 गिलास दूध भी पियेंगे, केला भी खाएंगे, खाना 3 से 4 बार खाएंगे, सत्तू पियेंगे, बहुत ज़्यादा उपाय करना एक ही दिन में शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे आपको 3 नुकसान होता है। सबसे पहली बात, कल तक आपके बॉडी को एक दूसरी टाइप का हैबिट था। मैंने एक वीडियो बनाया बॉडी हैबिट के बारे में, आप जाके उसको देख लीजिए। आज अचानक आपने जो अपने बॉडी के साथ जो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है ना, इसका आपको बॉडी को अभी तक हैबिट नहीं है। इसीलिए हम लोग अचानक जब कोई भी काम करते हैं ना, आप देखिएगा आपके बॉडी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एडजस्ट करने में। और साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो आप जोश में अगर 7-8 उपाय करना शुरू कर देंगे ना, तो आप ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे। 3 या 4 दिन में आपका जोश ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे अभी तो आप दूध पी रहे हैं, 3 या 4 दिन होगा आप दूध पीना मिस कर देंगे, फिर आपको लगेगा अरे आज तो दूध पीना भूल गया, फिर आप शाम को दूसरा चीज़ प्रोटीन खाना मिस कर देंगे, अरे आज मैं प्रोटीन खाना भूल गया, अरे आज मैं नींबू पानी पीना भूल गई। ऐसा करके क्या होगा, 3 या 4 दिन में आप गुस्सा में उस उपाय को छोड़ देंगे, सारा उपाय को छोड़ देंगे। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि शांति से सोच के समझ के आप जो भी जॉब करते हैं, आपका जैसा भी लाइफ स्टाइल है, आपका जैसा भी बजट है, सब कुछ शांति से सोच के अपने मन में सिर्फ 1 या 2 उपाय सोचिए। बस सिर्फ 1 या 2 उपाय सोच लीजिए और उसको आप डेली कीजिए लंबे समय तक। आप देखिएगा कि हो सकता है आपका फैट या आपका मोटापन 1 दिन में ना हो, 1 महीना में ना हो, चलिए मान लेते हैं 1 साल में भी ना हो, लेकिन आस्ते आस्ते इसका असर होना शुरू हो जाएगा। और मान के चलते 3 या 4 साल बाद या 5 साल बाद आपको एक बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। चौथा सबसे बड़ा गलती ये करते हैं कि
आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो खुद तो नहीं चाहते हैं लेकिन दूसरे का बात सुन के जोश में आ जाते हैं। मतलब कि आप मोटी हैं, हकीकत यह है कि आपको पतला होना ही नहीं है लेकिन आपका बॉयफ्रेंड आपको एसएमएस में बोल दिया काश तुम थोड़ा सा और पतली होती ना, कसम से बहुत अच्छी लगती। तो अब आपका मन में जोश आ गया, आप कल से जिम जाना शुरू कर देंगी, सब उपाय करना शुरू कर देंगी। 4-5 दिन बाद आपका जोश ठंडा हो जाएगा, आपका उपाय भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों कभी भी किसी का बात सुन के कोई भी उपाय कोई भी काम काज कुछ भी नहीं करना चाहिए। चाहे मोटा होना हो या पतला होना हो, चाहे स्कूल में पढ़ाई करना हो या कॉलेज में जाना हो, आपको ज़िंदगी में जो भी काम करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपना मन का सुन के करना चाहिए। दोस्तों आप सभी नोटिस करके देख लीजिए, आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी अपना दिल का सुनते हैं। आप कोई भी बड़ा बड़ा हीरो का हीरोइन का या बहुत सारे स्पोर्ट्समैन का इंटरव्यू देखेंगे, बचपन में मेरी माँ को ये सब पसंद नहीं था, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं कोई और काम करूँ, लेकिन वो बच्चा इतना ज़िद्दी होता है कम उम्र से ही, उसको पता होता है कि मुझे यही करना है और वो सिर्फ अपना दिल का बात सुनता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 30 साल बाद उसका उन्नति जरूर होता है। तो दोस्तों अगर आपको भी उन्नति चाहिए, अगर आपको भी एक अच्छा हेल्थ चाहिए, एक अच्छा लाइफ चाहिए, तो आप कल सुबह से किसी का भी ना सुने, माँ बाप दादा दादी किसी का भी बात ना सुने, आप वही करें जो आप करना चाहते हैं। अगर आपको मोटापा कम करना ही नहीं है तब आप कोई भी उपाय करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।